हमारे साथ अब तशरीफ रखते हैं सज्जाद जानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सर, थैंक यू। वी ऑल आर योर फैंस, ऑफ कोर्स आपको हम देखते भी हैं और बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली अभी दो लोग जो आए थे, नवीद एंड फरीद एंड फैसल, तो वो भी आपके साथ काम करते हैं, उनको भी ग्रूमिंग आप ही ने की है, तो दैट्स रियली ब्रिलियंट। बहुत बहुत खुशी हुई है मिलकर, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि हंसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए? सर जितना सांस लेना ज़रूरी है इतनी हंसी ज़रूरी, इतनी ज़रूरी है। तो लेकिन बड़ी महंगी हो गई आजकल, नायाब बहुत हो गई, और वो हर वो वजह ख़त्म होती जाती है जिस वजह से बंदा मुस्कुराता है। बड़ी अच्छी बात। तो जो टेंशन डिप्रेशन और उदासी, उसकी वजूहत ज़्यादा होती जा रही हैं और बहुत करीब कदम कदम पे मिलती जा रही हैं, लेकिन जो मुस्कुराने वाली है वो वजह बहुत कहीं दूर जाती जा रही है हमसे। अच्छा मैं आप तीनों से एक सवाल करना चाहता हूँ, कभी कभार ऑनेस्टली, और एक, मैं एक थोड़ा सजाद, ये जो हम वजह ढूंढते हैं ना मुस्कुराने की, ये गलत कोशिश है। ओके, मुस्कुराहट आपके अंदर होती है, जब आप हुसन देखने लग जाएंगे तो आप मुस्कुराएंगे। अभी हम जो है वो ऐब देखते हैं, क्या प्यारी, तो हम मुस्कुराते जो है वो नहीं है, हम तारीफ नहीं तो करते लोगों की। हमारा वजूद वजह है मुस्कुराने की, और फिर ये वजूहत कम है कि हमारे यहाँ इतनी हमाकतें हो रही हैं, इनको देख देख कर ही हंसते रहते हैं। आप तो यही हमें दिखा दिखा के हमें हंसाते हैं। मैं यही तो दिखाता हूँ कि पाकिस्तान, जैसे मैं कहता था कि अगर एक सास बहू की लड़ाई हो रही है ना, तो अगर तो आप उसका हिस्सा हैं, उस ड्रामा का बाप हैं या कोई आप करेक्टर हैं, तो फिर तो आपको नहीं मज़ा आएगा। अगर आप बाहर खड़े देख रहे हैं, आपका ताल्लुक कोई नहीं है, तो उस लड़ाई को आप इतना इन्जॉय करेंगे सर, यकीन करें। और ऐसा इन्जॉयमेंट पूरे पाकिस्तान भरा पड़ा है। सूरह अल अनकबूत में अल्लाह सही ने खुद फरमाया है कि ये दुनिया इतना संजीदा खेल भी नहीं है, ये लहव व लहव है, खेल तमाशा है। वो कहते हैं कि हे फकीर दहासा, दुनिया खेड तमाशा, दुनिया खेड तमाशा। तो जिस वक्त आप इतने ज्यादा संजीदा कर दिया है इस वर्ल्ड अफेयर को, ये इतना ज्यादा संजीदा है नहीं। नहीं सर, वैसे आप कुछ तो वजह होनी चाहिए, कल्ला बंदा भी बेवकूफ लगेगा सही जाना नहीं। हम कुछ तो वजह हो ना सही, खामोशी जो है इसके अंदर मुस्कुराहटें नहीं होती। अच्छा मैं तो ये आप लोगों की डिबेट एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब मुस्कुराने की बात करते हैं ना सही, तो उससे क्या बाछें खिलना मुराद होता है? ऐसा तो नहीं है, ये बाछें खिली हुई तो सारी मसनूई मुस्कुराहटें हैं मेरी जान जी। असल मुस्कुराहट आपकी खामोशियाँ मुस्कुराहटों से मामूर होती हैं। जब आप खामोश होते हैं तब आप गुनगुना रहे होते हैं, जब खामोश होते हैं तब वो आप अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे हैं जी। ये जो हंसाते हैं ना सही, ये हमारे जो संजीदा लोग हैं, ये हंसाने वालों को खामोश करा देते हैं। अच्छा लेकिन हमारे यहाँ ना लाफ्टर बड़ी मौजूद है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप किसी भी रहनुमा की तकरीर सुन लें, हंसते हंसते पागल हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप हंस हंस के गिर जाएंगे, लोटपोट हो जाएंगे, वो ऐसी सी बातें कर रहे होते हैं जो कभी नहीं होनी। देखिए उसमें मैं फिर ये साहिर ये बात करूंगी कि वो ठीक है, हंसी उसमें आती है, हंसी तो इसमें भी आती है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है और हम फिर भी जिंदा हैं और हम फिर भी रह रहे हैं इस सारे के साथ जो है। और जो शाह जी ने बात की वो बड़ी प्यारी और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि डीप बात है, कि ये सिर्फ बाछे खिलने का नाम नहीं, जब आपको अपनी हकीकत का भी पता चल जाता है ना कि जिंदगी एक खेल तमाशा है, आए हैं चले गए हैं, तो उसमें भी एक मुस्कुराहट आती है कि यार हम है क्या और हम इतना क्यों ज़िंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमने सीरियसली लिया हुआ है। ठीक है ज़िंदगी है, आए हैं जीना है, काम भी करने हैं, सारा कुछ। तो वो शाहजी मुस्कुराहट की बात करती हैं कि अंदर से आती है, इट डज़ नॉट नेसेसरली ट्रू कि इसके लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल रीजंस मिले, ये चीज़ मिले तो फिर हम हंसेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो मुस्कुराहट और कह कहे को हमने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, तो मैं थोड़ा सा ज़रा उसको आसान अल्फाज में कि ज़िंदगी में हंसना चाहिए और ख्वातीन को हंसना चाहिए बहुत ज़्यादा, प्लीज़ ख्वातीन को भी हंसना चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं मर्द हंसते हैं, मैंने देखा मर्द बनती है ना ख्वातीन। लेकिन मैंने मोस्टली ये मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगी कि ख्वातीन ज़रा थोड़ा सा जब बैठती हैं ना, तो वो मेकअप
कॉस्मेटिक ज्वेलरी इसकी ज्यादा बात करती हैं। हम तीन में से अगर किसी ने ये लफ्ज भी कहे ना हम वायरल हो जाएंगे दो मिनट के अंदर। इसलिए मैं जो सेफ साइड लेके कह रही हूँ कि खवातीन को चाहिए कि थोड़ा सा आपस में जब बैठे तो इतना ज्यादा कॉन्शियस कि हमें जज किया जा रहा है या कपड़े जूते इनसे जरा हट के थोड़ा सा जरा चीजों को इंजॉय करना चाहिए। ये खवातीन में डिप्रेशन की एक बड़ी वजह ये भी है कि वो हस्ती कम है और कह कहे कम लगाती है। अच्छा मैं देखिए मैं तो अच्छा आपकी ये भी खूबसूरती है कि आप बहुत मुख्तसर बात करती हैं यकीन करें। मुख्तसर करती हूँ प्रिसाइज करती हूँ आपकी इससे मजा बहुत लाजवाब है। अच्छा मैं पूछने लगा था कि ये कह रहे हैं कि किसी किसी सहारे की या किसी वजह की जरूरत नहीं है हंसने के लिए, तो मैं सोच रहा था कि अगर ये बात पूरे पाकिस्तान में फैल जाए और इस पर अमल हो जाए तो जितने थिएटर्स कॉमेडियन ये तो सब फर्क हो जाए, बंदा कभी घर बैठा मतलब बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे जो हमें हंसाने आते हैं। नहीं 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 यार आप खुद ही हंसने भाई, ये तो फन है ना सही। दूसरे को हंसाना जो है ये तो एक कमाल की बात है। ये मुझे कोई दूसरे को एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी स्क्रीन को जरा गौर से देखिएगा, तीन लोग हैं, तीन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और तीन लोग ये समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही है और बात भी इस दुरुस्त है, तीनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम लोगों से जीने का हक छीन लेते हैं। प्रॉब्लम आती है जब अगर कोई शख्स कोई बात करना चाहता है तो हम उसकी बात को निगेट करते हैं और ये कहते हैं नहीं हमारी बात सही है। True. याद रखिए बात सही या गलत नहीं होती, बात को देखने का जाविया सही या गलत होता है। True. मुझे तो आप लोग इतने हसीन लगे ऑनेस्टली, आज मुझे बड़ी खुशी हुई सज्जाद सेट पे हैं, बड़ी खुशी हुई कि आसिम मेरे साथ हैं, बड़ी खुशी हुई डॉक्टर साहिबा हैं। एक बड़ा बेहतरीन मुकालमा है जो हो रहा है, आई विश के पाकिस्तान में तमाम लोग इसी तरह के मुकालमे करें। और रही बात इसकी कि हंसी की वजह है या नहीं है या वजह ढूंढनी चाहिए या वो अंदर से आती है, वो कहीं से भी आए आ जाए उसे ले लो। अगर हंसी आपको मिल जाए तो वो किसी तवस्सुस से मिल गई उसे अख्तियार करो, क्योंकि मुस्कुराहट गमों को दूर भगाती है। सर, जब आपने शुरू किया था तो मुश्किलात आई थी लाइफ में बहुत ज़्यादा सर, लोगों ने डिस्करेज किया था बहुत ज़्यादा, तो कैसे ओवरकम कैसे किया सर? मतलब मेरी ये 20-22 साल हो गए इस फील्ड में, 5-6 साल हुए हैं जब मैं नज़र आया, उससे पहले सारा यही कुछ था जो स्ट्रगल। हाँ 16-17 साल यही कुछ था, स्ट्रगल थी और मतलब स्क्रिप्ट लेके जा रहा हूँ चैनल्स पे और कुछ किसी को समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या है ये क्या है ये क्या है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स। हफ्ते में 3-3 बार लाहौर, वो बंदा 3-3 बार हफ्ते में लाहौर आ रहा है जिसके पास मतलब 20 रुपये भी नहीं, और किस तरह वो आता जा रहा है। और यानी मैं अच्छा, मैंने मैंने जानबूझ के सवाल किया। हाँ आपको पता है क्यों? क्यों? शोभा तुमने क्या चुना? शोभा तुमने चुना हंसाने का। हंसाने के लिए एक बहुत बड़े एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, लोग कहते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ का फनकार, मुझे उमर भाई का एक वाक्य याद है, उमर शरीफ का। जी जी। उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं। वाह वाह। मैं तो आज भी उनकी रोटी खाता हूँ, मैं तो कहता हूँ एंड आई मिस यू उमर भाई, मोइन साहब आई रियली मिस यू। उमर भाई एक रोज़ मुझे वाकया बता रहे थे कि मैं मस्जिद में था, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, तो जब मैंने वुजू के लिए अपने सर में हाथ फेरा तो कुछ जुए मेरे हाथों से चिपक गए, मैं रो पड़ा और मैंने अल्लाह मियाँ से कहा कि मौला मुझ पे करम फरमा। बड़े बड़े लोगों ने उमर भाई को उन जगहों पे दाखिले से रोका था जहाँ उमर भाई ने राज किया। ऐसा ही उन्होंने अपने हाथों से अपने ड्रामे के पोस्टर्स लगाए, अपने हाथों से लई लगा के बना के आटे की और इसके बाद वो पोस्टर्स लगाया करते थे। आज जब वो चले गए तो आज उनके डिक्शन को सब फॉलो करते हैं। इससे पहले कि आप किसी को कंडेम करें, और वो काम क्या कर रहा है, कॉमेडी करना मजाक करना बहुत दिक्कत तलब काम है। आप अपने आप को मार के एक शख्स को जिंदा रखते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब कोई आपको हंसा रहा है तो याद रखिए खुदा जाने उसके पीछे कितने आंसू शामिल। ऐसे ही नुसरत फतेह अली खान साहब,
फैसलाबाद से आया करते थे जी जी, जब तक उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। सर ये हम दूसरों के लिए इतनी रुकावटें क्यों खड़ी कर देते हैं? आई नो टॉपिक से थोड़ा हट जाएगा लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्यों रुकावटें क्यों, अगर मुझे टैलेंट नज़र आ रहा सज्जाद का कि सज्जाद कर सकता है तो उसको तो आगे बढ़ाना चाहिए ना। शायद साहिर हम समझ रहे हैं कि दूसरों से आगे निकल जाने में तरक्की है। तरक्की सजाद की जो सबसे खूबसूरत बात लगी कि इसने तरक्की साथ लेकर की है, दूसरों को साथ मिलाकर तरक्की होती है। इंसान की तारीख में आप देखिए कभी किसी इंडिविजुअल ने तरक्की नहीं की, इंसान मिले हैं तब तरक्की हुई है। हत्ता के वो जो पहला जानवर इंसान ने मार कर खाया ना, वो भी एक आदमी का कारनामा नहीं था, हंटर गैदरर्स थे, लोग जमा होते हैं। जानवर पे क्या गुजरी होगी, सॉरी जिस जानवर को आपने मार दिया वो पता नहीं कहाँ सैर करने निकला होगा, आपने उसको पकड़ के थे डाल। सर्वाइवल है ना जी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो तरक्की जो है ना सही, ये साथ मिलकर लेकर चलने में। सजाद बात कर रहे थे कि कल्ले बैठ के हंसी जाइए, ठीक है, वाकई अकेले बैठ के हंसना पागलपन है। लोगों के साथ जब हंसते हैं, जब आप उसी हंसी में दूसरों को शामिल करते हैं तो वो फिर कायनात उसके साथ हंसती है, खुदा खुश होता है। मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा उसका इजहार कर देता हूँ। टैलेंट जो है वो नज़र आता है और आप में टैलेंट है, आई नो ज़रा देर लगी है बट अब आप हैं। हाँ बिल्कुल, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह रहेंगे इंशाल्लाह। और सबसे खूबसूरत बात आपकी जो मुझे लगी वो ये लगी कि आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। सर मेरी आदत ये है, मेरा मतलब ईमान ये है। सजाद हम बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेना, एक ब्रेक ले लूँ ब्रेक के बाद। ओके ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, कहीं मत जाइएगा, आप कॉल कर सकते हैं अगर शाहजी से कोई सवाल है आपको, मैं भी शाहजी कहने लगूँ, साहबजादा आसिम से अगर कोई सवाल है तो वो भी कर सकते हैं, वरना डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल है तो वो करें, सजाद से अगर बात करना चाहते हैं तो आप वैसे कॉल मैंने इशारा किया चुप हो जाए सब। कमिंग बैक टू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, हम जो बात कर रहे थे, अच्छा आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी टेलीफोन कॉल्स का मुझे इंतज़ार है, प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल। और अगर आप बात करना चाहते हैं किसी मसले पे तो ज़रूर बात कीजिएगा। इस्लाम की रूह से भी, दीन की रूह से भी मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस करीम है कि ये खैर है मुस्कुराहट देना, मुस्कुराना ये खैर का काम है। बिल्कुल, ये एक वो पॉजिटिव एनर्जी है कि जैसे ही जूं ही आप मुस्कुराते हैं तो वो उसी वक्त डिस्पर्स होकर उस माहौल में, सोशल पोल्यूशन होती ही यही है। अच्छा मैं बाकी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ना जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ा फरमाते थे लेकिन हमेशा आप सच बोला करते थे, हमेशा आपने सच बोला है। अच्छा कहते हैं, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जिन्होंने मुस्कुराने से चेहरे की कदर कीमत में इजाफा होता है, अगर आप मुस्कुराता हुआ चेहरा रखेंगे तो आपकी कदर कीमत वैसी बढ़ जाएगी, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे। दिस इज ये नफ्सियाती तौर पर मैं ऐड अप करना चाहूँगी बड़ी प्यारी बात की, जैसे लाफ्टर थेरेपी का कॉन्सेप्ट आ रहा है डिप्रेशन को रिलीव करने में, स्ट्रेस को रिलीव करने में, जैसे हाइड्रोथेरेपी है पानी की, जैसे कलर्स थेरेपी है जिसमें पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, एक्सप्रेशन जो है जिसमें चाहिए होता है, तो ये जो मुस्कुराना है या जो हंसना है और कभी कभी कह के लगा के भी हंसना बड़ा ज़रूरी है, ये लाफ्टर थेरेपी आपने शुरू में कहा कि इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो ये लाफ्टर थेरेपी जो है ये नफ्सियात के अंदर बाकायदा एक थेरेपी जो है ये इसको यूज़ किया जाता अच्छा, है। एक सवाल तीन जवाब, आप तीनों से चाहिए। ओके सवाल सुन लीजिए, जवाब आपका। तीनों जवाब मैंने देने? नहीं तीन लोगों ने। अच्छा अलग वाला अलग है, वैसे तुम भी दे सकते हो सजाद, कोई बात नहीं दे सकते, लेकिन सवाल एक ही है, इतने मुश्किल हालात में जहाँ मसाइल का अंबार है, बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, सेहत के मामलात बुरे हैं, ऐसी बुरी चीज़ों में इंसान इतने दिगरगु हालात में मुस्कुराए कैसे? आपसे शुरू करते हैं। देखिए हम सब यहाँ बैठ के ये प्रीच तो कर सकते हैं, बयान तो कर सकते हैं, ट्रू, बट देन बॉस एक बहुत बड़ी हकीकत है, हम सब यहाँ से निकल के गाड़ियों में जाएंगे, ट्रू, अपने घरों में जाएंगे जहाँ लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा ही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस मुल्क में अब और उनकी तादाद बढ़ रही है
जहाँ गुर्बत अपने पंजे गाड़ चुकी है और बहुत अंदर तक सीप इन कर चुकी है, ऐसी सूरतकाल में मुस्कुराया कैसे रहा? सर मेरे हिसाब से ना ये जो परेशानी, जैसे कोई दुख आता है ना जब फर्स्ट टाइम आता है, लाइक मेरे वाल साहब की जब डेथ हुई, तो मतलब मेरे अगर वाल साहब जिंदा हैं, आप मुझसे सवाल करते हैं कि सज्जाद अगर आपके वाल साहब फौत हो जाएं, तो मैं सोच भी नहीं सकूंगा, बल्कि हो सकता है मैं गालियाँ दे दूँ आपको, तो ये क्यों बात कर रहे हैं आप। लेकिन वो गए हैं, और उनके जब वो गए हैं तो मैं सोच सकता था कि मैं आप 6 माह बाद हंसूंगा, नहीं, लेकिन मैं हंस रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जब हमारे मुल्क का हालात ये हो गए हैं कि हम यूज टू हो गए, हमें कोई कुछ होता नहीं है महंगाई से, कुछ नहीं पड़ता। हाँ, अच्छा वो क्या होता है, हम उसको इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। हमें प्रॉब्लम अगर आती है ना, तो वो कुछ अरसे बाद हम यूज टू हो जाते हैं, हम अगली का वेट करना शुरू करते हैं। या हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, कोई बहुत बड़ा हम कुछ नहीं होता कि यार आटा जो है वो डबल रेट पे हो गया। हमें कोई ऐसा नहीं होता को हम उठ के ऐसी देख पे ना हो ये क्यों हो गया मर जाएंगे, नहीं, बल्कि हम उस पर ऐसी बातें, हमारे फैसलाबाद में बहुत होती है, फैसलाबाद वैसे ही मशहूर है जुगतों में, जुगतों के लिए, तो वहाँ पे तो इन्जॉय करते हैं लोग, वहाँ पे तो खान साहब मतलब वहाँ पे तो आप किसी को कोई खबर भी सुनाएंगे ना ऐसी, तो वो उस पर भी कोई दो चार ऐसी बातें बना लेंगे। लेकिन ये डिसेंसिटाइजेशन जो है ये अच्छी भी नहीं है, ये भी एक एबनॉर्मैलिटी की हद है कि जहाँ पर आप जो है इन चीजों के बारे में डिसेंसिटाइज हो जाएं। मेरी हर गल ना क्यों मैं नहीं आप पहले इनसे पूछ लीजिए, देखिए साहिर ने कहा हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले इनसे पूछना है, मैं फिर इनकी सही बात को भी गलत। अच्छा अब आपकी बात इन्होंने सुनी, डॉक्टर साहब ठीक है, डॉक्टर साहब क्या कहती हैं आप डॉक्टर साहब? पहले तो ये माजरत के साथ, ये माशाल्लाह इतना जिंदा दिल है, ये अगर कोई बंदा मौत पर होने की कोशिश कर रहा है तो उसको आप कर लेने दें, जरूर आपने कहना है। आप हमें हंसते हुए अच्छे लगते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। जी मैं इसका एक छोटा सा जो आपने पूछा कि इसकी अब क्या सलूशन है, क्या इसकी रेमेडी है, थोड़ा सा इसका ये है कि हमें वीकली अपनी जो है फ्रेंड्स के सर्कल के साथ बैठना चाहिए, लेट्स ऑन अ लाइटर नोट, जो भी है जिस तरह से भी है ज़िंदगी के ये मामलात ख़त्म नहीं होंगे, फ्रेंड्स अपने जो भी हैं जहाँ पर आपको हम जजमेंटली हमें कोई हमें ये नहीं देखेगा क्या कह रहे हैं, हम कह के लगा के भी हंस सकते हैं, हम जोक्स भी कर सकते हैं, तो हमें फ्रेंड्स के साथ कभी कभार अपने यार बेली जिसको कहते हैं उनके साथ बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, खिलखिला के हंसना चाहिए। दो अशार मुझे याद आ रहे हैं, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं, वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, हर हाथ मिलाने वाला। अच्छा ये ना मैं जब लोग आपको कहते हैं ना कि आपको संजीदा होना चाहिए, आपको मैच्योर होना चाहिए, तो जरा गौर किया करें कि वो मुतालबा क्या कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, डिमांड दरअसल उनकी डिमांड ये होती है कि लोग की कहेंगे, क्योंकि मुआशरा जो है वो दानिश समझता ही संजीदगी संजीदगी एक काम करते हैं शेर भाई की तरफ चलते हैं, फिर इसको हाँ दानिश को रहने दें सही, कुछ इश्क की बात जो है वो शेर भाई तो रू मुस्कुराए